और वही सेक्शन 89 सीपीसी के तहत जब मीडिएशन होता है तो सिविल प्रोसीजर के मीडिएशन रूल्स हैं जो तमाम हाई कोर्ट ने उसको अपनाया है, उसमें रूल 6 सबसेक्शन सी देख लीजिए आप, जिसमें ये कहा गया कि एनी पर्सन हु इज इंटरेस्टेड और कनेक्टेड विद द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द डिस्प्यूट और इज रिलेटेड टू एनी ऑफ द पार्टीज और टू दोज हु रिप्रेजेंट देम अनलेस सच ऑब्जेक्शन इज वेव्ड बाय ऑल द पार्टीज इन राइटिंग। अब ये तो हाईकोर्ट का ये रूल्स है, सिविल प्रोसीजर के मीडिएशन रूल्स है। मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि मिस्टर रविशंकर को सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मीडिएटर का उनका अपॉइंटमेंट किया है। अब जब हाईकोर्ट के सिविल प्रोसीजर मीडिएशन रूल्स 6 सबसेक्शन सी ये कह रहा है, तो मैं आप तमाम को याद दिलाना चाह रहा हूं 4 नवंबर 2018 को जिसको सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर बनाया है उनका स्टेटमेंट ऑन रिकॉर्ड है। और वो स्टेटमेंट क्या है कि अगर मुसलमान अपने इस क्लेम को अयोध्या पर नहीं छोड़ेंगे तो हिंदुस्तान सीरिया बन जाएगा, ये इनका स्टेटमेंट है। और उन्होंने ये भी कहा कि मुसलमान एज अ गुडविल गेस्चर इसको छोड़ दें। तो जब इनका कनेक्शन सब्जेक्ट मैटर से है, इन्होंने अपना पूरा पोजीशन साफ कर दिया है कि वो किस पार्टी के ताईद में है। देखिए, ना सिर्फ सब्जेक्ट मैटर से इनका ताल्लुक है बल्कि इनका पार्टी से भी ताल्लुक है। तो ये रिग्रेटेबल है कि एक ऐसे शख्स को सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर अपॉइंट किया है जो न्यूट्रल मीडिएटर नहीं है, क्योंकि उनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है कि अगर आप ये नहीं करेंगे वो वॉयलेंस का थ्रेटन किए कि सीरिया बन जाएगा, थ्रेटन किए वॉयलेंस का। और हम ये समझते बेहतर होता कि सुप्रीम कोर्ट एक न्यूट्रल आदमी को बनाता, मगर फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने 3 मीडिएटर्स का अपॉइंटमेंट का ऑर्डर दिया है। मैं समझता हूं कि मुसलमानों को उनके पास जाना चाहिए और मैं उम्मीद करता हूं कि जो शख्स ने 4 नवंबर 2018 को जो स्टेटमेंट दिया है वो इस बात का ख्याल रखेंगे कि वो अब मीडिएटर है, वो उस अजीम पोजीशन पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको अपॉइंट किया है, तो वो अपने दिलो दिमाग से 4 नवंबर का वो स्टेटमेंट निकाल देंगे जिसमें उन्होंने मुसलमानों से धमकी दी और कहा कि हिंदुस्तान में सीरिया बन जाएगा, वायलेंस हो जाएगा, गुडविल गेस्चर। तो जब उनको सुप्रीम कोर्ट ने मीडिएटर बनाया है तो हम उम्मीद करते हैं कि वो न्यूट्रल रहेंगे। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपॉइंट किया, अच्छा होता कि अगर ये जो ऐसे शख्स को बनाया जाता जिसका ना सब्जेक्ट मैटर से ना पार्टी से ताल्लुक होता, मगर इनका ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट है। मगर हम सुप्रीम कोर्ट के इस मीडिएशन के ऑर्डर का वेलकम करते हैं और जो पर्सनल लॉ बोर्ड को जो बात कहना है वो पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफिशियली कहेगा। इन पक्षकारों ने ही आखिरकार मध्यस्थों का नाम दिया था, दोनों ही पक्षकारों को एक तरह से एड्रेस करते हुए, मैं ऐसे शब्द का इस्तेमाल करूंगी, सुप्रीम कोर्ट ने 3 नाम चुने। अगर उनमें से किसी एक पर आप उंगली उठाते हैं तो क्या आप सुप्रीम कोर्ट के विवेक पर सवाल नहीं खड़ा कर रहे? ए, वही क्वेश्चन जो मैंने पहले पूछा था, अब मैं भी दूसरी तरफ से आपसे पूछ रही हूं। दूसरी बात, हम कैसे मान ले कि पंचू साहब है या कलीफुल्ला साहब है, उनके दिमाग में क्या है? ये हो सकता है कि इंटरव्यू में बढ़ चढ़ कर बोल दिया श्री श्री रविशंकर ने, लेकिन उसी को बिंदु मान लेना क्या सही होगा? दोनों ही प्रश्न सर। काबिलियत थी, मैं आपको मुबारकबाद देता हूं कि आपने उनकी दिल की बात को जुबान पर ला ही लिया। इस पर मुझे मुगले आजम पिक्चर का वो डायलॉग याद आता है कि जब अनारकली से पूछा जाता है तो कहती है कि मेरी आखिरी ख्वाहिश यह है कि हिंदुस्तान की मलिका बनना, तो अकबर बादशाह बोलता है कि तेरे दिल की बात जुबान पर आ ही गई। तो वैसा ही मामला हुआ आपके इंटरव्यू में। यकीनन मैं नहीं जानता कि आपके दिमाग में क्या है, मेरे दिमाग में क्या है, मगर जब बात कोई जुबान से बोली जाती है तो उसको तो यकीन करना पड़ेगा ना मैडम कि आप इनको मीडिएटर बना रहे। दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार है वो किसी को मीडिएटर बनाए, और सुप्रीम कोर्ट नाम भी लिए, सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है वो कि वो जो नाम दिए गए उसको एक्सेप्ट करे। अब कोई नहीं बता सकता कि किस किस पार्टी ने किसका नाम दिया, तो सुप्रीम कोर्ट का प्रेरोगेटिव है, उन्होंने इस्तेमाल किया। मगर मैं उसको कह रहा हूं कि अगर एक न्यूट्रल आदमी को अपॉइंट करते
जो दूसरे दो लोगों का तो पब्लिकली कोई स्टेटमेंट नहीं है इस तरह का कि फेथ का मामला है, आपके इंटरव्यू उन्होंने कह दिया 13 मिनट 30 सेकंड पर, आप देख लीजिए क्या ऐसे आदमी। शिवसेना की तरफ से एक बयान है आप पर सीधा कटाक्ष करते हुए, जस के तस पढ़ती हूं क्योंकि आपको इस तरह के शब्द और बोल सुनने की आदत अब तक हो चुकी होगी। वो कह रहे हैं कि ओवैसी को हैदराबाद में ही सिमट कर रहना चाहिए, राम मंदिर अयोध्या में बनेगा, ना हैदराबाद में, ना पाकिस्तान में, ना ईरान में। लोग और खास तौर पर मुस्लिम समुदाय को बरगलाने के लिए असदुद्दीन ओवैसी शक और शक की गुंजाइश पैदा कर रहे हैं, आशंका पैदा कर रहे हैं मुसलमानों के मन में, देश में सीधा आरोप है उनका। शिवसेना के बारे में क्या बोलेंगे मैडम, इतनी बड़ी बड़ी बातें करते थे कि मोदी के साथ नहीं जाएंगे, मोदी को हराएंगे, फुला करेंगे, और जाकर मोदी के पास झुकना पड़ा उनको। अरे तुम मोदी से डरते हो मगर ओवैसी से नहीं डरते, ये क्या बात है? आप तो शिवसेना है, आपको तो आप कह रहे थे कि मोदी को छोड़ देंगे, वैसा करेंगे, मगर जाकर आपको वहीं पर पनाह लेना पड़ा। देखिए ये बातें होती रहेंगी, मसला क्या है? मसला यह है कि आपने सही कहा शुरू में कि अब बीजेपी इस पर अपनी सियासी रोटी नहीं सेक सकती पार्लियामेंट इलेक्शन के लिए। मैं हरगिज नहीं हूं, मेरी हर परेशानी मैं ऊपर वाले के हवाले कर देता हूं और सुकून से कूली बैठता हूं। मुझे इस बात का एक एप्रिहेंशन है कि ये लीक्स सोर्सेस के नाम पर से ना आ जाए मीडिया में। सुप्रीम कोर्ट ने तो बड़े वाजे तौर पर कह दिया कि कॉन्फिडेंशियल होगा, इस पर कोई लीक नहीं होगा, मगर आप देखिए कि एक मीडिएटर की जबान से अल्फाज अदा हो चुके हैं, वो उनका। क्या असदुद्दीन ओवैसी जानबूझ के शक आशंका इस मामले में पैदा करने की कोशिश नहीं कर रहे खास समुदाय को बरगलाने के लिए? सीधा सवाल है सर मेरा आपसे। मैडम ये इल्जाम तो बहुत पुराना हो चुका है, इसकी गोल्डन जुबली नहीं बल्कि प्लैटिनम जुबली हो चुकी है। मैं जब तक जिंदा रहूंगा, पॉलिटिक्स में रहूंगा, लगता रहेगा, मुझे इसकी फिक्र नहीं है। मैं आपको सच्चाई बयान कर रहा हूं, मैं अंजन कर से 13 मिनट 30 सेकंड पर उसको दिखा दीजिए, आप फिर आप कुछ फैसला कर लीजिए कि जब इनका ये माइंडसेट है क्या वो न्यूट हो सकती है। मौलाना सलमान नदवी है वो ये कह रहे हैं जो कि साफ तौर पर कह रहे हैं कि मस्जिद को शिफ्ट करने की इजाजत इस्लाम देता है, क्या पहल करना इतना बुरा होगा? मौलाना का नाम लिया है, वो बड़े मुतबर और बड़े आलिम है, उनका लास्ट स्टेटमेंट आप पढ़ लीजिए। उन्होंने कहा कि मैंने इस मसले में अपने आप को रुजू कर लिया है, यानी वो वापिस हो गया। वो प्लीज मैडम आप लोगों को ये लोग बताते नहीं है हकीकत, ये बताते नहीं है। अब रहा सवाल कि सुप्रीम कोर्ट ने बराबर फैसला दिया, मैं तो कह रहा हूं कि ठीक है ये कोशिश हो रही है, देखते हैं क्या होता है, मगर मेरा ऑब्जेक्शन का इजहार करना कोई सुप्रीम कोर्ट पर तनखीद नहीं है मैडम, ना सुप्रीम कोर्ट का मैं कंटेम कर रहा हूं। मैं पब्लिक डोमेन में इस मीडिएट जिसको मीडिएटर बनाया गया है उनके स्टेटमेंट्स को अगर कोर्ट मध्यस्थों को अपॉइंट कर रहा है तो क्या आपको लगता है सीधे सीधे कोर्ट इसे मालिकाना हक का मामला मान रहा है? क्योंकि मालिकाना हक का मामला होता तो कोर्ट डिसाइड करता कि ए का है या बी का है, लेकिन मध्यस्थों को बीच में लाके क्या कोर्ट ने भी साफ नहीं कर दिया है कि आस्था का मामला है, इसको आपसी बातचीत से निपटाना होगा? नहीं, इसीलिए तो मैडम मीडिएशन कब होता है? क्या फेथ के मैटर्स में कोर्ट मीडिएट कर सकता है? नहीं है मैडम, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन नहीं है। सर अगर हिंदू पक्ष के हक में फैसला आ जाता है तब तो आप कहेंगे ना कि देखो ये श्री श्री की वजह से हुआ है, फिर उस फैसले की क्या सैंक्टिटी रह जाएगी, फिर उस मध्यस्थता की क्या सैंक्टिटी रह जाएगी जिसको सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्त किया है? की टीम ने नहीं बताया कि मीडिएशन में फैसला नहीं होगा, आर्बिट्रेशन में फैसला होता है। मीडिएशन में अगर दोनों तीनों पार्टीज जो भी अगर वो किसी चीज पर राजी हो जाते हैं तो उसको सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करते। मेरा वही मतलब था सर, अगर वो मंदिर पर राजी हो गए तो, अगर अपनी मंदिर के पक्ष में सब राजी हो गए तो फिर क्या उस रिपोर्ट का क्या वैल्यू रह जाएगा, क्या सैंक्टिटी रह जाएगी? अगर मस्जिद पर राजी हो गए तो तब तो हम आपसे पूछेंगे कि श्री शिव अगर मत सुनाता, इनका कोई राइट ही नहीं है, ये सिर्फ पूरे पार्टीज को सुनेगा, कोशिश करेगा कि कोई हल निकले, और अगर हल निकलेगा तो कोर्ट को बताएंगे, नहीं निकलेगा तो कोर्ट को बताएंगे, उसके बाद कोर्ट जो ट्रायल चलाए। हमारे यहाँ मुख्तलिफ कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक्स और प्लास्टिक के तमाम सामान और फर्नीचर दस्तियाब है, एक मरतबा तशरीफ लाकर खिदमत का मौका दे। प्रोपराइटर हाफिज मदरुल्ला बेग, अदर बेग, आलू बरकत, होम अप्लायंसेस, फर्नीचर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, टायर बोर्ड दिगलू नाका नांदे।
नानावड़ दूध न्यूज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बेल आइकन को क्लिक करने से होगा ये कि आपको लेटेस्ट न्यूज अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहती है।